खरगोन जिले के बिष्टान थाना क्षेत्र में बीती रात आदिवासी समुदाय के लोगों में शादी का झगड़ा छुड़वाने गए पुलिस कर्मियों पर लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव में बिष्टान थाने के 3 आरक्षकों को चोट आने पर उपचार के लिए खरगोन लाया गया। आरक्षक दुले सिंह का खरगोन के निजी अस्पताल और 2 आरक्षक जो घायल हुए हैं भारत और राहुल का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। हालांकि ASI शक्ति सिंह को भी पत्थर लगा था। बताया जा रहा है कि शादी के बाद लड़की का ससुराल में रहने से इनकार करने पर विवाद पथराव हुआ था। हीरापुर के लड़के और मांडवखेड़ा गांव की लड़की की हाल ही में शादी हुई है। शादी के बाद दोनों पक्षों में शादी तोड़ने को लेकर रुपये को लेन देन का विवाद चल रहा था। आपस में झगड़ने की सूचना पर बिष्टान पुलिस पहुंची थी और बीच बचाव करने पर पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सूचना मिलते ही SDOP भिगनगांव संजू चौहान थाने पर पहुंचे और यहां दोनों पक्षों से बातचीत के दौरान मौका मुआयना किया। SDOP ने कहा कि CCTV फुटेज की जांच की जा रही है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या हुआ झगड़ा? दो पक्षों में आपसी विवाद चल रहा था, पुलिस ने तो पुलिस के ऊपर हमला। तो कहाँ की घटना है? कितने अभी तक घायल? 2 जवान है, 1 जवान और। मतलब टोटल कितने घायल है? 3 जवान। अच्छा, तो क्या मतलब झगड़ा किस बात से उनका हो रहा? उसकी वो जांच चल रही है, आपसी में एक बोल की शादी ब्याह के बाद से लेकर झगड़ा हुआ। अच्छा, तो सीधे पथराव पुलिस पे कर दिए? बीच बचाने पहुंचे थे। हाँ। क्या नाम लिखता है? ASI शक्ति सिंह से करवा थाना सर। ये पुलिस कर्मी घायल हुए सर, किस प्रकार की इलाज किया जा रहा है सर? घटना के उनके द्वारा बताया गया है कि दो पक्ष आपस में लड़ाई करे थे, जिसकी उनमें पुलिस जब बीच बचाव के लिए गई तो उन पर उन्होंने पत्थरबाजी की गई, जिसकी वजह से उन्हें चोट आई है और उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खरगोन के रेफर किया गया था, जिसके द्वारा 2 आरक्षक को हाथ में चोट आना एक आरक्षक को हाथ में चोट आना बताया गया है, जिसमें उन्हें आज प्राथमिक इलाज करते हुए हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खरगोन में एडमिट किया गया है। दोनों आरक्षक को, एक आरक्षक को उन्होंने निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक और आरक्षक को चोट लगी सर? हाँ, यहाँ पे 2 आरक्षक को लाया गया था, जिनको दोनों को एडमिट किया गया है। एक आरक्षक को उनके द्वारा बताया गया कि निजी अस्पताल ले जाया गया है। मतलब कुल तीन लोगों को ऐसा बताया गया है। एक को सीने में चोट आई है और एक को हाथ में चोट आई है। अभी तो स्टेबल है दोनों, बट बोनी इंजूरीज है दोनों को, इसलिए उन्हें एडमिट किया गया है। क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर रविंद्र गुप्ता। कुछ 2 गुटों में आपसी विवाद का उन्होंने बताया है, जिसके उन्होंने बीच बचाव में पुलिस गई थी, पुलिस के आरक्षकों के ऊपर उन्होंने पत्थरबाजी करी, जिससे कुछ पुलिस वालों को चोटें आई है। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खरगोन में लाया गया था। 2 पुलिस आरक्षक यहाँ पे आए थे, जिनके प्राथमिक उपचार करते हुए उन्हें अभी भर्ती किया गया है, और एक का उन्होंने ऐसा बताया गया उनके द्वारा कि एक को निजी अस्पताल में भर्ती किया है। क्या अभी हालत क्या है सर? दोनों की कंडीशन अभी स्टेबल है। क्या नाम सर आपका? डॉक्टर रविंद्र। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।